स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज शहर के संभाजी महाराज चौक पर बाबा जिम की ओर से तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस शानदार बाइक रैली से शहर में हर तरफ नई चेतना का संचार हुआ। नवभारत समाचार के लिए अहमदनगर से हफीज शेख की रिपोर्ट। महोत्सवाचे सर्व कोपरगाव वासियांना आणि भारतवासियांना बाबा जिम तर्फे एक संचालक म्हणून मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद। स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज जी रॅली आपण इथून संभाजी सर्कल पासून जी चालू केली ती एकदम एन्थुझियास्टिक होती आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे। त्याचबरोबर इथे आपण जे बाबाज जिम नवीन आपल्याकडे काहीतरी युनिसेक्स म्हणून जे जिम चालू झाली आहे ती खूप चांगली आहे। तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी इथे येऊन स्वतःची हेल्थ मेंटेन करावी। सभी वासियों को कोपरगाँव के शुभेच्छा देता हूँ मैं, और फिटनेस के लिए सबको मैं बोलूँगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आज शरीर है तो सब कुछ है, जिसके उसके शरीर की जिम्मेदारी जिसके जो जो बोले तो बहुत बेहतर है। और अपने आज के दौर में जैसे जो डाइट हमें मिलता है वो डाइट तो प्रॉपर मिल नहीं पाता। कम से कम हम वर्कआउट के लिए अपने खुद के लिए 1 घंटा कम से कम अपने वर्कआउट के लिए दे, जिसमें तुम्हारे आगे वाले जो बीमारियां है वो ना लगे उसके लिए भी है और आगे के अपने फिटनेस के लिए भी बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाइट में भी कर सकते हो, तुम डाइट फॉलो भी कर पाएंगे आप इसमें। मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं बाबा जिम के तरफ के सबके लिए ये बोलूँगा कि वहाँ पर विजिट करके एक बार वो जिम को देखे और एक ट्रायल के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आकर एक बार ट्राई करे और बात करे, तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा रियल में क्या है करके वर्कआउट कितना जरूरी है। फिर से एक बार शुभेच्छा आप सबको, फिर से शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।